Hey guys, welcome back to another video. सामने सामग्री से तो पता चल ही रहा होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो guys, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, आज हम बनाने वाले हैं भरवा भिंडी, भिंडी मसाला। तो guys, चलो शुरू करते हैं। और किस किस की फेवरेट है भिंडी guys, कमेंट करके बताना। सबसे पहले हमने भिंडी में कट लगा लिया है बीच में और इसमें भर लिया है मसाले और हमने ठीक से वॉश कर दिए। और guys, यहाँ हमने रख लिया है कढ़ाई और हम ऑयल गर्म होने देंगे। गाइस क्या सुंदर लग रही है यार भिंडी, बनाने का मन नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी। ओए 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 ओए, सोनी सुनखनी लग रही है साड़ी भिंडी। गाइस तेल हमारा गरम हो गया है कढ़ाई में, हुण आपा की करना, ये सुंदर सी भिंडी पड़ी है ना, आपा इसको कढ़ाई में ऐड कर लेना है और इसको फ्राई करना है लो फ्लेम पे। गाइस सारी भिंडी उठा के हमने कढ़ाई में ले जानी है और प्लीज मेक श्योर गाइस, बहुत गर्म घी है, बी केयरफुल, आराम से डालना इसमें। सारी भिंडी हम शिफ्ट कर देंगे कढ़ाई में। तो लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है जब तक भिंडी का कलर अलग नहीं हो जाता। और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको भिंडी मसाला बनाने का, किसी और को इससे आसान तरीका पता हो तो गाइस कमेंट करके बताना, हम वो भी फॉलो करेंगे। पर जो मुझे पता है सबसे आसान तरीका भिंडी मसाला बनाने का वो यही है। मेरे डैड की फेवरेट डिश है ये भिंडी, वो बड़ा खाते थे। गाइस लो फ्लेम पे भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, थोड़ा पक की करना है इन्हें। मीनवाइल हम छोटे छोटे प्याज काट लिए, अब हम इसको भिंडी में ऐड कर देंगे। बड़ा सिंपल वे है गाइस भिंडी बनाने का, मसाला भरवा भिंडी अब ठीक से मिक्स कर लेंगे। और गाइस ये जो भिंडी में मसाला भरा है ना, आज हमने लिए अपनी माता श्री की हेल्प, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरी मम्मी ने कैसे भिंडी काट के इस पे मसाले भरे हैं। मसाला है गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। गाइस बीच में से काट के हमने सारी भिंडी रख ली है और अपनी मम्मी की आज हमने ले ली है मदद और हम भरवा रहे हैं भिंडी में मसाला। इस मसाले में गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और नमक है जो हमने कटोरी में बना के रख लिया था, और हम भिंडी बीच में से काट के सारे मसाले इसमें हम भर के रख रहे हैं। गाइस आपने चेक करा माता जी ने कैसे भिंडी में मसाले भरे हैं। अब आप देखो भिंडी हमने लो फ्लेम पे रख दी है गाइस पकने के लिए, इस पे डाल दिए हमने प्याज। तो स्टे ट्यून गाइस, इसको हम 5-10 मिनट पकने देंगे, मेक श्योर कि जल ना जाए, बीच में चेक करते रहना। गाइस अब आप थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए जो मीठी मिर्चें हैं ना ये दो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मसाला भर दिया हमने, थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा हमारा। गाइस 5-10 मिनट हमने लो फ्लेम पे भिंडी को पका लिया है, चेक इट आउट, हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार हो गई है। गाइस होना पा की करना है, इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेना, बोल में सर्व कर लेना। हाँ जी गाइस, मुबारक जी मुबारक, हमारी भिंडी मसाला बनके रेडी हो गई है। चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट, किसी के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ या तवे वाली चपाती के साथ। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वंस अगेन, बाय नाउ, बाय।